हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कटहल की सब्जी बनाने जा रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके डालेंगे तेल, इसको गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, तेल गर्म हो गया है, अब हम कटहल को फ्राई करेंगे। तो इसमें कटहल डाल देते हैं, आप मेरी तरीके बनाइए, ऐसी सब्जी कभी खाई नहीं होगी आपने ऐसे बना के। वैसे तो खूब कटहल खाए लगे, मेरी तरीके सब्जी नहीं बनाई होगी। फ्राई करने से कटहल की सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है और ये ऐसे तलते तलते तो ये ऐसे ही आधा पक जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, कटहल फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को चटकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसमें डालने के लिए लिए काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, काली बड़ी इलायची और लौंग, ये सबको हम डाल देते हैं। चटकने देते हैं। इसमें डालेंगे कटा हुआ लहसुन, पीसेंगे कोई चीज नहीं, कटी हुई पड़ेगी, कटी हुई अदरक, कद्दूकस की हुई, आज कटहल हम एकदम ढाबे स्टाइल बना रहे हैं। एक बार मेरे तरीके बनाइएगा जरूर, बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, सभी अच्छे से खाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, चार बड़े बड़े कटे हुए प्याज डाले। इनको भी भुनने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये हल्का ब्राउन हो चुका है, प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, कोई चीज पीसेंगे नहीं, कटे हुए पड़ेंगे, और ये कटी हुई हरी मिर्च। फ्रेंड ये नमक डाले देते हैं, पहले नमक इसलिए डाल रहे कि टमाटर हमारा जल्दी घुल जाए, नमक डालने से टमाटर जल्दी घुल जाता है। देखिए फ्रेंड, सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। पहले डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि कलर भी हमारा बेस्ट आए सब्जी का, ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती है। और इसमें डालेंगे पानी, इसको मिला लेंगे। इससे मसाला हमारा ऐसे तैयार करने से मसाला हमारा जलेगा भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाएगा। तो देखिए मसाला हमारा तैयार है। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें मसाला डालेंगे तैयार किया हुआ। और इसको भूनेंगे। फ्रेंड ग्रेवी हमारी तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, आ गया ना मुंह में पानी। अब हम इसमें डालेंगे कटहल फ्राई किया हुआ। तो
देखिए फ्रेंड, आधा तो पहले ही पक गया है, ये देखिए ये आधा तो पहले ही पक गया है। अब हम इसमें डालते हैं, फ्रेंड अगर आपने चैनल मेरे सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम कुछ डिश डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो देखिए फ्रेंड, पराठा रोटी के साथ खाएं, वैसे बनाएं, तो ये आपकी इच्छा के अनुसार है। हम तो पराठे के हिसाब का बना रहे हैं। थोड़ा नमक और डाल देते हैं, पहले ही डाल चुके थे, मेरे हिसाब से ये कम है नमक, इसलिए स्वाद अनुसार नमक। फ्रेंड इसमें हम एक बिसल लगाएंगे, लो फ्लेम पे एक बिसल लगाएंगे। मिलते हैं एक बिसल लगने पे। तो देखिए फ्रेंड, एक बिसल लग चुकी है, अब हम इसको खोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और देखिए, अगर आप एक बिसल से ज़्यादा लगाओगे तो सब्जी एकदम हलवा बन जाएगी। तो देखिए सब्जी तैयार है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी हम इसमें कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कटहल की सब्जी तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया। तो देखिए फ्रेंड, बनाइए खाइए और बताइए कि कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए फ्रेंड, कटहल की सब्जी कितनी अच्छी बनी है।